हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून। वॉइस मेरी आ रही? वीडियो नहीं आ रहा होगा। मेरी वॉइस आ रही सभी को? गुड आफ्टरनून, वॉइस आ रही मेरी? सभी लोग आ जाइए जल्दी से। जाइए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगा कुछ चीजें, ठीक है? बोर्ड में थोड़ा सा क्लियरिटी कम रहा करती है क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो जाता है। अगर कहीं और कुछ समझ में ना आए तो चैट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे। ओके, गुड आफ्टरनून, आ जाइए सभी लोग। बहुत कम लोग आते हैं, आप लोग 18 लोग आए हुए, 44 ही ऐड हैं, 60-70 बच्चे हैं, सभी लोग ऐड भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एकॉस्टिक्स का, ध्वनि की, उसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक लोग जरा मुझे बताएगा कि मैंने लास्ट क्या टॉपिक बताया था? लास्ट में हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा कर ली थी? अवशोषण तक हो गया था ना, ध्वनि का अपवर्तन, परावर्तन। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जब मैंने साउंड चैप्टर और आपको लाइट में डिफरेंस बताया था कि क्या ध्वनि, क्या साउंड माध्यम में ट्रेवल करती है? सभी को आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। जो हमारी साउंड होती है ये किसी न किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, इसकी जो वेव्स होती है। तो मैंने आपसे पूछा था क्या प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, क्या इसमें ट्रेवल करेगी? हाँ, मेरी ही आवाज आनी चाहिए। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही है, अभी भी नहीं सही आ रही थी, एक बार देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने आज वीडियो ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि नेटवर्क बहुत इश्यू थोड़ा सा। हाँ बेटा, आज जो है वीडियो पुश कर रखा है, इसलिए कि जो है नेटवर्क मेरे में थोड़ा सा स्लो है, तो मैं चाह रहा था कि वॉइस क्लियर आए। अच्छा, ठीक है। वॉइस आपको आ रही होगी, आज मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो आप सुनिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। सभी लोग सुनने का प्रयास करेंगे, और अभी मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने कल चर्चा की थी, परसों मतलब लास्ट क्लास हुई थी उसके पहले, कि जो है साउंड क्या प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में ट्रेवल कर सकता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर बताया मुझे, चलिए बताइए सभी लोग, क्या साउंड प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी? नो, यस 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 जी हाँ, हाँ भैया। और सभी लोग याद रखिएगा,
देखिए, कोई भी माध्यम मिलेगा साउंड को, कोई भी माध्यम, स्पेस को छोड़ करके, निर्वात को छोड़ करके कोई भी माध्यम मिल जाएगा, चाहे गैस हो, गैस में भी चाहे जो गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आपकी हीलियम हो, नियॉन हो, फ्रियॉन, रोडम, कोई भी गैस होगी, ध्वनि हमारी वहां पर ट्रेवल करेगी, ध्वनि को ट्रेवल करना ही करना है। हाँ, अगर वहां कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र हुआ, सपोज मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी है और एयर भी है। बेटा दिखेंगे नहीं, हम बता रहे हैं ना, आज आपको केवल सुनना है, ठीक है? आज आपको सुनना है और व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में देखिएगा। होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई हमारा कैसा क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र में अगर यहाँ पर मान लीजिए एयर है, यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर एयर है, तो ही जो है ट्रेवल करेगी हमारी साउंड, जो होगी हमारी वो केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र में तभी ट्रेवल करेगी जब वहां पर आपको, कोई ना कोई गैस, कोई ना कोई मीडियम होगा। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ कोई मीडियम नहीं है, तो यहां भी आपकी साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। तो निर्वात में ट्रेवल नहीं करेगी, चुंबकीय क्षेत्र में ट्रेवल नहीं करेगी, साउंड हमारी चुंबकीय क्षेत्र में ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है? हाँ बेटा, आज हम दिखेंगे नहीं, आज नेटवर्क का इशू बहुत, मतलब बार बार क्या हो रहा था, नेटवर्क बहुत जा रहा था, तो हमने कहा क्लास आपकी हो जाए, तो इस वजह से हमने सोचा कि पीपीटी में, व्हाइट बोर्ड में मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है? तो आप लोग घबराइए मत, आराम से क्लास देखिए, क्लियर? चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जो है साउंड के बारे में, तो एकॉस्टिक हमें, हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं ट्रेवल करेगी, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं ट्रेवल करेगी, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं ट्रेवल करेगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड में भी नहीं ट्रेवल करेगी, ठीक है? ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ट्रेवल नहीं करेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जैसे आप लोगों ने ब्लैक होल सुना होगा कि ब्लैक होल में, अब ब्लैक होल अपनी ओर हर चीज को खींच लेता है, सारे मतलब प्लैनेट्स को या जो भी स्टार्स होते हैं उनको, तो क्या साउंड की जो वेव होगी, जो साउंड के, हाँ जब एयर होगी तब ट्रेवल करेगी, जब एयर होगी तो ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, हर जगह अगर एयर है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर मान लीजिए कोई ब्लैक होल है, मान लीजिए कोई ब्लैक होल है, ये मान लीजिए, सपोज करिए हमारा ये ब्लैक होल है एक प्रकार से, ये हमारा मान लीजिए, आप सपोज करिए ब्लैक होल है, और मान लीजिए साउंड की वेव ऐसे आ रही है यहां से, यहां से मान लीजिए, यहां से साउंड की वेव ऐसे करके आ रही है, चलिए, या ऐसे इसके पास से इसको निकलना है, तो क्या इस ब्लैक होल के अंदर, हमारी साउंड ट्रेवल करेगी अंदर? ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है? मतलब आप इसको सोचिए, समझिए, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। बोर्ड में कुछ दिख नहीं रहा है बेटा, नेटवर्क इश्यू है, इसी वजह से हो सकता है, थोड़ा सा घबराइए मत, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही ना, आवाज सुनिएगा, दिख तो रहा है, वैसे दिख रहा है, कहने का मतलब अगर कोई ब्लैक होल है, फिर से समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लैक होल है सपोज, ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ब्लैक होल है, सपोज सपोज करिए ब्लैक होल है, हाँ अभी क्वेश्चन ले रहे हैं अनुज जी, पहले इसको समझ लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए साउंड ट्रेवल कर रही है, सपोज करिएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मीडियम है, तो क्या ये वेव्स इस ब्लैक होल में अंदर चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी, ठीक है? इस बारे में हम चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलहाल आज जो हमें पढ़ना है उसको हम देखते हैं। जी हाँ जी, अनुज जी पूछिए।
जी अनुज जी, अनुज जी पूछिए क्या क्वेश्चन है। अभी आपको पीपीटी दिख रही है, आपके पास ये वाली पीडीएफ होगी भी, ठीक है। ये पीडीएफ आपके पास होगी भी, सभी को दिख रही कि नहीं दिख रही है। अनुज जी कुछ क्वेश्चन आपका था, जिसको क्वेश्चन पूछना नहीं दिख रहा है। अमन बेटा, पीपीटी तो दिख रही होगी ना, जो मैंने कल पढ़ाया था। नहीं दिख रही है आपको, पीडीएफ नहीं दिख रही है। आप लोगों के पास ये पीडीएफ होगी, ध्यान से देखिए। दिख रहा है, दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रही ना, तो एक बार अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा होगा। चलिए, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। चलिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ध्वनिकी के बारे में। जिसके में नहीं दिख रहा है ना, उसके में नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। अगर चूंकि मेरे में होता तो सभी को नहीं दिखता, तो इसका मतलब आपके में प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, नेटवर्क इशू अपना है, सही कर लीजिए उसको। एक बार अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल करके वो ले लीजिए, ठीक है। चलिए, दिख रहा है। चलिए, हमने कल चर्चा कर ली थी, हमने जो है हमने आपसे कल, मतलब लास्ट डे हमारी क्लास हुई थी, तो हमने ध्वनिकी के बारे में जो चर्चा की थी, ये हमारी चर्चा हो गई थी। इसका हमने इंट्रोडक्शन आपको ले लिया था, ये डिफिनीशन थी। साउंड क्या होती, इसको हमने आपको बताया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि संगीतिक और शोर क्या होता है। इसके बाद ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण। किसी को अवशोषण में कोई दिक्कत तो नहीं थी, एब्जॉर्प्शन में? मैंने बता दिया था वैसे एब्जॉर्प्शन को भी। जी अनुज जी, क्या पूछना चाह रहे हैं अनुज जी? थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अभी थोड़ा सा आपको आज क्लास ले लेता हूँ, फिर भी 2 मिनट बाद हम लास्ट में आपके क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी रुक जाइए, सभी लोग थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। अभी मैं अनुज जी क्वेश्चन देख लूंगा अभी ऊपर, तो अभी आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, कल हमने चर्चा की थी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पे हम बात कर रहे थे ना। तो मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए ये वाला फिगर हमारा था, कि होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई जो है, सपोज करिएगा, कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉक्स लगा हुआ है, कोई दीवार है, अगर कोई ये सपोज दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है हमारी, और मान लीजिए साउंड जो है, हाँ अभी क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। साउंड, अगर साउंड ऐसे ट्रेवल कर रही है ये, तो होगा क्या, साउंड जब इसके अंदर आएगी ना, इस वॉल के अंदर, तो वॉल में कुछ साउंड की कुछ मात्रा, साउंड की जो कुछ, मतलब कुछ इंटेंसिटी होती है, इसको ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर कमरे के अंदर आप बैठे हों और किसी के से आप वार्तालाप दूसरे कमरे में करना चाहेंगे, तो आप जितनी तेज यहां से बोलेंगे, तो दूसरे कमरे वाला व्यक्ति सुनाई तो देगा उसको, उसके और भी कई कारण होते हैं, लेकिन उसको धीमी, तो धीमी क्यों सुनाई देगी, क्योंकि कुछ आवाज आपकी, जो कुछ ध्वनि होती है, वो दीवार के द्वारा, उस माध्यम जो बीच में अवरोधक होता है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि के अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, देखिए। अच्छा, हाँ, तो अनुज जी कुछ ना कुछ तो अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा उसकी डिस्टेंस पर, अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उसके डिस्टेंस पर,
उसकी प्रबलता पर, उसकी लाउडनेस पर, उसके तारत्व पर, मतलब हम हर चीज के बारे में जानेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं ध्वनि का अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, जब ध्वनि में अपवर्तन होता है तो आवृत्ति क्या होती है, अपवर्तित रहती है। मतलब कि ध्वनि का जो कंपन होता है वो जितने कंपन होने होते हैं वो उतने ही होते हैं। माध्यम बदल रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगर अवशोषण की क्रिया भी साथ में हो रही होती है तो फिर आवृत्ति बदल जाएगी, आवृत्ति बदलेगी, लेकिन अपवर्तन हो रहा है। दो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ है अभी। वॉइस क्लियर आ रही, सभी लोग बता दीजिए एक बार फिर से बता दीजिए। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू मेरी तरफ हुआ है हल्का सा। वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है, पीडीएफ आपको दिख रही है ना। चलिए ठीक है। तो बात कर रहे थे हम ध्वनि के अपवर्तन का प्रभाव। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ध्वनि के अपवर्तन के प्रभाव की, जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि आवृत्ति इसकी अपवर्तित रहती है। सभी लोग ध्यान रखेंगे इन पॉइंट के, जो छह के छह पॉइंट्स हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, इनको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है अपवर्तन में ध्वनि की तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। जी हाँ, जो दूसरा पॉइंट है कि अपवर्तन में ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तरंग दैर्ध्य के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, एक कंपन में ध्वनि कितना ट्रेवल करती है, उसकी डिस्टेंस, वही तरंग दैर्ध्य होती है। तो वो पर देखिए आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है लेकिन तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट देखिए, आप लोग जानते होंगे इसको, हम देखिए जैसा बुक में लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि आप वैसा ही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग भी। वॉइस नहीं आ रही है? किसको वॉइस नहीं आ रही है? और किसी को वॉइस की प्रॉब्लम है? आ रही है, ठीक। तो बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रीष्म काल में ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई नहीं देती है, उसका रीजन क्या होता है? देखिए फिगर बना हुआ है, ये फिगर आप देखिए ध्यान से, इस फिगर को आप देखिए। देखिए होता क्या है, जो हमारी ध्वनि होती है ना, जैसे हमने आपको बताया होगा, ये बताइए एक फिर से एक चीज आ रही है यहाँ पर, ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही, बेटा आपके प्रॉब्लम है, आपके मतलब आपके साइड में दिक्कत है, इधर से बेटा नेटवर्क बढ़िया है, इधर से स्पीड भी अच्छी आ रही है, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग सुनिएगा। बेटा जी नेटवर्क मेरी तरफ सही है, इस साइड नेटवर्क बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात कर रहे हैं हम ए फिगर की, ठीक है, ये वाला जो हमारा ए फिगर है कि देखिए होता क्या है, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, शायद चर्चा हुई थी, जब माध्यम बदलता है तो ध्वनि क्या करती है, अपना तीव्रता बदलती है, अपनी स्पीड वो भी बदलती है, स्पीड बदलती है। तो होता क्या है, जब गर्म तल मिलता है ना ध्वनि को, तो गर्म तल से वो ठंड नहीं रहा है, और किसको किस किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है? वॉइस नहीं आ रही है आपको? पीडीएफ नहीं दिख रही है? अच्छा, अगर पीडीएफ आपके पास हो और वॉइस आ रही हो तो पेज नंबर 42 है, उस पे है ध्वनि के अपवर्तन का प्रभाव। हाँ पीडीएफ मैंने वैसे ग्रुप में सेंड की थी पीडीएफ, ठीक है, चलिए हो गई, आवाज आ रही है, क्लियर है। बात कर रहे थे ध्वनि जब गर्म तल की ओर जाती है ना, तो गर्म से ठंडी की ओर ध्वनि जो है ट्रेवल करती है। ठंडी क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि ठंडी में क्या होता है, उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, हवा का जो घनत्व तो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमने बताया था ना ध्वनि जो है जिधर की जो घनत्व तो ज्यादा होता है उधर की ओर भागने का भी प्रयास करती है। तो इस रीजन से जो ध्वनि होती है गर्मियों में ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, जबकि ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में जो ध्वनि होती है वो ठंडे तल की ओर भागती है, तो इससे क्या होता है वो दूर तक ट्रेवल करती है।
दूर तक ट्रेवल करने का मतलब, आपने कभी एग्जांपल देखा हो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में, अगर आप दो दो ढाई किलोमीटर की रेंज पर हैं रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से अगर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आपको बड़े ही आराम से, बड़े ही मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको वॉइस सुनाई देती है रेलवे के हॉर्न की। ठीक है, रेलवे का जो हॉर्न होता है उसकी वॉइस क्लियर आपको सुनाई देती है ठंडियों में, मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि शांत वातावरण होता है। जैसा कि आपका फोर्थ पॉइंट है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, वायु की दिशा में ध्वनि अधिक दूर तक। जी हाँ, अगर वायु किधर की, जैसे हमारी साइकिल की साइकिल होती है जब हम चलाते हैं, और हवा के विपरीत जब चलते हैं तो हवा के विपरीत में क्या होता है कि हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहीं अगर हवा के साथ चलना होता है तो बहुत अच्छे से हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सेम यही चीज साउंड के साथ होता है कि साउंड अगर मान लीजिए हवा का झोंका आता है या हवा चलती है तो उस ओर साउंड भी उसके साथ ट्रेवल करती है एयर के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि वायु की दिशा में ध्वनि ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जब कभी आपने सुना होगा डुग्गियां पिटवाई जाती थी, या मतलब राजा महाराजा जब कभी एंशियन टाइम में जब कभी वो करवाते थे फरमान सुनाना होता था, तो अगर वो लोग बोलते थे छत से राजा महाराजा बोलते थे, तो ऐसा मतलब सीन होता था कि क्या हो जाए कि एयर जो हो वो राजा के पीछे से आए और आगे जनता तक जाए। जी हाँ, मतलब सभा को ऐसे कलेक्ट किया जाता था कि वॉइस जो है आगे की ओर रहे, मतलब हवा पीछे से राजा के पीछे से आए और जनता तक। इससे क्या होता था, आराम से वॉइस जो है वहां तक जनता तक पहुंच जाए, ऐसा रखते थे। ठीक है, और गर्मियों के दिनों में क्या करते थे, ज्यादा सभाएं नहीं होती थी, जो भी फरमान वगैरह हुआ करते थे वो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि शाम टाइम में जब राजा का भाषण होता था। देखिए पहले तो ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े माइक होते थे, तो इसी तरह की टेक्निक्स को अपनाया जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये था हमारा ध्वनि के अपवर्तन का प्रभाव। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट है तरंगों की तीव्रता। तो यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं साउंड की। ठीक है, तीव्रता के बारे में हमने चर्चा कर दी थी, आपको हमने फॉर्मूला भी लिखवाया था, किसी को याद हो तो, लिखवाया था। ठीक है, आई बराबर, हमने ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, आई बराबर 2π² एन स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर रो वी, और आपको पता होगा आप ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो बस ओमेगा जो आपका 2πn है इसकी जगह ओमेगा रख दिया गया है। क्लियर, क्यों, क्या है, ए क्या है, वी क्या है, रो क्या है, एन क्या है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता हमने कहा था ना कि ऊर्जा की मात्रा है, तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि भी आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका मतलब कि ध्वनि में भी क्या होगी, तीव्रता होगी। अगर ध्वनि ऊर्जा है तो ध्वनि में तीव्रता होगी। याद रखिएगा, जिस चीज में भी एनर्जी है, जिस चीज में भी ऊर्जा है, उसमें प्रकाश है, ध्वनि है, और भी जितनी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। ये तो पहला पॉइंट था। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यदि तरंग या ध्वनि संचरण में माध्यम में होने वाले दाब परिवर्तन में दाब आयाम पी मैक्स तथा तरंग का संचरण नियतांक के बराबर 2π/λ तथा माध्यम का आयतन प्रस्थान गुणांक बी हो, मतलब ये क्वालिटी दे रहा है कि तरंग में जब माध्यम होगा तो वहां वहां क्या 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 क्वालिटी है, दाब कैसा होगा, दाब का परिवर्तन क्या होगा, ठीक है, आयाम कैसा होगा। तो इस कंडीशन में पी मैक्स क्या होगा,
एक के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, टी मैक्स इज इक्वल रो वी स्क्वायर ए ओमेगा अपॉन वी। क्लियर नहीं दिख रहा है पीडीएफ में बेटा? पीडीएफ नहीं दिख रही है कि हम जो बता रहे हैं वो नहीं दिख रहा है? क्या वॉइस नहीं आ रही किसी को? बताइए जरा, वॉइस आ रही है ना? आ रही है, आ रही है, आ रही है, वॉइस आ रही है। अब पेज नंबर 42 में आप लोग देखिएगा, तरंगों की तीव्रता है, ठीक है? आप लोग हम क्या करेंगे, मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है? सभी लोग ध्यान से सुनिए, हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है? हाँ सुन लीजिए, हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है और इसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है वो अपना इस लेक्चर को आप जो है यूट्यूब के थ्रू बाद में देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? कल आपको हॉलीडे रहेगा, संडे को भी हॉलीडे रहेगा, आप वहां पर जाकर के आराम से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहां से जब हम आई निकालते हैं, तीव्रता निकालते हैं ध्वनि के लिए, इस कंडीशन में आई हमारा मिलता है वो कितना मिल जाता है, वो हमारा मिलता है आई बराबर पी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू रो वी। अच्छा, तीव्रता की जो मात्रा होती है उसका मात्रा वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा इसको। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा सभी लोग, कि ध्वनि तरंगों की तीव्रता दाब व आयाम पर निर्भर करती है। ये एक दो बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो दाब पर, प्रेशर पर और उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, तरंग के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जैसे कहीं से एयर, कहीं से साउंड निकल रही है, तो उस बिंदु को हमने मान लिया पी, ठीक है? अगर कहीं से साउंड निकल रही है और उसको हमने मान लिया पी, उसको हमने पी लेट कर लिया, सपोज हमने पी लेट कर लिया, और कोई सुनने वाला है, ठीक है? मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, ये P है, मान लीजिए जहां से पॉइंट निकल रहा है, मान लीजिए A पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सुनना चाह रहा है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो इस पर R दूरी पर जो तीव्रता होगी वो तीव्रता बेटा आपकी होगी कितनी, P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है? पावर, P यहां पर पावर है, ठीक है? पावर। और अगर रेखीय स्रोत है तो तीव्रता कितनी होगी आपकी, टू पी अपॉन 2 पाई R L, जहां L क्या है, ये लंबाई है, और R क्या है, R डिस्टेंस है, ठीक है? स्रोत से उस शक्ति के बिंदु की दूरी है, ध्यान रखेंगे, और L स्रोत की लंबाई है, ठीक है? स्रोत जितना लंबा होगा ना, कहने का मतलब है, जैसे फिर से समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये स्रोत है, सपोज ये स्रोत है, ठीक है? और ये कोई बिंदु है, यहां से पावर है, यहां से मान लीजिए ये P है, और ये हमारा स्रोत है, ठीक है? अब यहां से ये बीच की दूरी हो जाएगी R, और स्रोत मान लीजिए कितना लंबा है, अगर रेखी के मतलब ऐसे करके है तो कितना लंबा है, इसको हम मानते हैं कैपिटल L। तो इसकी इस पर तीव्रता कितनी होगी, वो हमारी तीव्रता हो जाएगी, वो तीव्रता हमारी हो जाएगी कितनी, I बराबर P अपॉन 2 पाई R L, या और इस पर I बराबर P अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। हाँ बेटा, R डिस्टेंस है, ठीक है? R जो है स्रोत, स्रोत
और जो शक्ति का बिंदु है ना वहां से बीच की दूरी है, और जो एल है वो जो स्रोत है उसकी लंबाई है। पीडीएफ ब्लर आ रही है। अच्छा बेटा आपके तरफ कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू होगा अजय जी। चलिए अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई दो स्रोत हैं, ठीक है, कोई दो स्रोत हैं तो उन पर तीव्रता मान लेते हैं आर आई वन, वहां पर आई वन और आई टू है, ठीक है, और दूरी आर आर वन और आर टू है। तो इस केस में इंटेंसिटी का जो हमारा रेशियो निकलेगा रेखीय स्रोत के लिए क्या होगा, वो हमारा होगा ये आई वन अपॉन आई टू इक्वल आर टू अपॉन आर वन। और बेटा नोट्स अगर बना लेंगे तो बेटर रहेगा, मतलब कहने का है कि देखिए नोट्स बना लेंगे ना, देखिए 400 350 पेज की आपकी, हाँ हो सकता है नेट खत्म हो गया हो, तो बात कर रहे हैं हम, अगर आप नोट्स बना लेते हैं शॉर्ट में तो ये बेनिफिट रहेगा। देखिए पूरा नहीं लिखना है इसमें, जितनी चीजें आपको इतने फिगर बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। और आप अगर मान लीजिए नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, आप यूट्यूब से नेट यूट्यूब में मैं वीडियो डाल दूंगा तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम तीव्रता स्तर की, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो देखिए अगर ध्वनि की तीव्रता इतनी हो जाए, कितनी इतनी कम हो जाए कि केवल हम सुन पाए बस, मतलब कम से कम मिनिमम, जैसे मिनिमम 20 हर्ट्ज होती है ना आवृत्ति ध्वनि की जो हम सुन सकते हैं, उसी तरह मिनिमम तीव्रता हो जाए जिसको हम सुन सके, तो वही कहलाता है तीव्रता स्तर। याद रखेंगे सभी लोग तीव्रता स्तर क्या होता है, ठीक है, जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, आई नॉट से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम वेबर फेचर नियम लगाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे आपको पता ही होगा कि ध्वनि को किसमें मीजर करते हैं, डेसिबल में, तो इसमें हम बात करते हैं तो डेसिबल यानी कि मात्रा क्या होगी ध्वनि स्तर की, बीटा बराबर, सॉरी हाँ बीटा बराबर वो आपका होगा लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। अच्छा आई क्या है यहां पर, आई तीव्रता है, आई आपकी यहां पर क्या है तीव्रता है, और आई नॉट क्या है यहां पर मिनिमम तीव्रता। अच्छा आज आपकी पहली क्लास है, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो इससे जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमें क्या निकल के आता है, बीटा बराबर 10 log 10 आई अपॉन आई नॉट डेसीबल, और आई नॉट बराबर हम कितना रखते हैं 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी तीव्रता मिनिमम एक व्यक्ति सुन सकता है। देखिए यहाँ पर एक चर्चा वैसे आगे है इसके बारे में, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो है जिसने देखिए क्लास नहीं ली है, मैंने इसके पहले का एक वीडियो यूट्यूब में डाल रखा है कॉस्टिक्स का, तो उसको आप देख लीजिएगा। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा पीडीएफ ब्लर आ रही है बेटा, थोड़ा सा आपके में भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा क्योंकि सबको ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, सबको आती होती तो दिक्कत होती ज्यादा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो आई होता है वो 2 I0 के बराबर हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में 3 डेसीबल होगा, ठीक है, और आई अगर हमारा 10 I0 के बराबर हो जाए तो हमारा जो बीटा होगा कितना होगा 10 डेसीबल होगा, 10 डेसीबल। हाँ वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, और आई आई बराबर का 2 I0 हो और आई बराबर 10 I0 हो इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं MCQs में बना करके पूछ लेता है बस, और इसकी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा बस बस बाकी से।
ब्लर आ रही है बेटा। नेटवर्क तो ठीक है मेरे में, स्पीड भी बढ़िया आ रही है। अच्छा सभी लोग बताइए, आपको पीडीएफ दिख रही है? सभी लोग बताइए पीडीएफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ पीडीएफ में, वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कुछ लोगों के में आ रही, कुछ लोगों के में नहीं आ रही है। ठीक है, बेटा होता क्या है ना, आफ्टरनून में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाँ हाँ अनुज बेटा जी, वॉइस वॉइस क्या, नेटवर्क कोई भी मतलब ले लीजिए, चाहे हमारे साइड हो चाहे आपके साइड हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है थोड़ा सा ऐप में। ठीक है, तो मैनेज करते हैं, और आप लोग घबराइए मत। ठीक है, मैं जो है आप लोग के उसके लिए जी सुन लीजिए, आप लोग घबराइए मत। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं अभी यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, देखिए ये अटेंडेंस के लिए है, ध्यान रखेंगे, सभी लोग क्लास में आना ही आना है। चलिए हम एक इसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हाँ यूट्यूब में लेक्चर पड़ जाएगा। ठीक है, इसके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर पड़ जाएगा। हम ये सोच रहे थे ज्यादा बातें ना करें और क्लास को कंटिन्यू कर देते, फिर आप लोग एक बार यूट्यूब में देख करके आराम से रिलैक्स होकर के समझ लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा यूट्यूब में, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इस पर एक सेपरेट पूरा ध्वनिकी का एक वीडियो बना दूंगा, 40 से 45 मिनट, 50 मिनट का वीडियो होगा, पूरा फुल डिटेल में उसमें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक यूट्यूब में वीडियो बना करके, अभी नहीं, ठीक है, अभी मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, थोड़ा सा टाइम देने दीजिए, 2-4-10 दिन में हम जो है एक इसी का एक अच्छा सा वीडियो बना करके पूरा पूरा का पूरा ध्वनि की उसमें कवर करा देंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एक ये है, जी हाँ ठीक है, जो चीजें हैं उसको मैं YouTube में पूरा उसका थ्योरेटिकल मैं बता दूंगा, इसके बाद हम एक YouTube में और ले लेंगे वीडियो, तो वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए घबराइए मत आप लोग, घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संगीतिक ध्वनियों के लक्षण। ठीक है, म्यूजिकल साउंड की कुछ क्वालिटीज, तो सबसे पहले तीन क्वालिटीज होंगी, आपको पता ही होगा, प्रबलता, तारत्व और गुणता। ठीक है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी या टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, हाँ बात कर रहे हैं प्रबलता क्या होती है, लाउडनेस। हाँ क्लास में जैसे हम चिल्लाते रहते हैं ना, शांत रहो, क्यों बहुत चिल्लाया करते हो ना आप लोग, वही है प्रबलता, लाउडनेस, कि प्रिंसिपल सर तक को सुनाई दे जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हाँ ये अच्छे से आ रहा होगा। देखिए ये ध्वनि का वो लक्षण होता है जिसके द्वारा हमें ध्वनि तेज या स्लो सुनाई देती है, तेज या स्लो, यानी कि तेज अथवा धीमी सुनाई देती है। ठीक है, अच्छा किसी को इंग्लिश वाला वो टर्म तो नहीं चाहिए यहाँ पर, इंग्लिश के टर्म वाले कोई तो नहीं है भैया? एक दो लोग कह रहे थे कि इंग्लिश के टर्म बोल दिया करिए, भैया आप लोग थोड़ा सा पूछ लिया करिए। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन हो वो लोग इंग्लिश के टर्म के लिए पूछ लिया करें, एक बार मैसेज डाल दिया करें, हम भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस पर डिपेंड करती है लाउडनेस। देखिए पहला क्या है, श्रोता की ध्वनि स्रोत से दूरी बढ़ने पर प्रबलता घटती है। जी हाँ,
आप जैसे जैसे दूर जाएंगे, जहां से आवाज निकल रही हो, आप अगर वहां से दूर जाएंगे तो लाउडनेस क्या होती है, घटती चली जाती है, लाउडनेस घटती चली जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि ध्वनि तरंग के आयाम बढ़ने पर प्रबलता बढ़ जाती है। अब भैया जितना आयाम होगा ज्यादा, जितना आयाम ज्यादा होगा उतनी प्रबलता आगे होगी। और इसका दूसरा भी शब्द सुन लीजिए, एक बार याद रखिएगा, कभी आयाम की क्वालिटी लिखने के लिए आ जाए ना तो ये क्वालिटी लिख देना कि यदि प्रबलता बढ़ जाती है तो आयाम भी बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ सुन लीजिए, अरे हमारी बातें सुन लीजिए आप। अब पेज नंबर 44 है, आराम से देख लेना। ठीक है, पेज नंबर 44 है, आराम से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, फिर ना समझ में आए तो व्हाट्सएप में पूछ लेना। हाँ आज बेटा काली लाउडनेस तक रखेंगे, बस यहीं तक टॉपिक रहेगा आज का। ध्वनि तरंग के आयाम बढ़ने पर प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। सी पॉइंट क्या है, सी है, अच्छा, अगर ध्वनि का जो स्रोत का आकार है वो बढ़ जाए तो भी प्रबलता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हाथी होते हैं, हाथी उनके कान देखा होगा बहुत बड़े होते हैं, तो यानी स्रोत का आयाम क्या हो गया, तो स्रोत का आकार बढ़ गया, श्रोता का भी आकार बढ़ गया ना। हाथी क्या होगा, श्रोता, और जहां से आवाज आपने देखा होगा वो स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में देखा होगा आगे का जो वो होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको साइज को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, ताकि लाउडनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, केवल लाउडनेस बढ़ाने के लिए उसका आकार बड़ा करते हैं, बस और कोई रीजन नहीं होता है, ताकि दूर तक आवाज चली जाए। ठीक है। अच्छा, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, माध्यम के घनत्व पर, तो घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। भैया घनत्व अगर ज्यादा होगा तो प्रबलता ज्यादा होगी, वही अभी हमने बताया था ना आपको, ध्वनि जो तेज धीमी सुनाई देती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी अपवर्तन वाला, यहाँ पर वो रूल लगता है। फिर माध्यम की गति पर, जी हाँ वही अभी उसका लास्ट पॉइंट बताया था ना, कि अगर वायु की गति के साथ करेंगे और वायु की गति के विपरीत करेंगे, वायु की गति के विपरीत करेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कान की संवेदिता या सुग्राहिता पर। जी हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए हमने भी बताया ना हाथी वाला एग्जाम्पल, अब होता क्या है, देखिए कुछ लोगों को सुनाई ज्यादा अच्छे से देता है, ज्यादा अच्छे से मतलब होता है उनकी जो लिसनिंग पावर होती है वो काफी अच्छी होती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा स्लो सुनाई देता है, ठीक है, और एक दो लोगों के काफी ये भी रीजन होता है कि जो कान की सफाई नहीं करते हैं ना, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको आवाज में दिक्कत होती है सुनने में। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है जी वाला, ये हमारा आ जाता है थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, पॉलिटेक्निक वाला, कौन सा, ये कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है ना वो लॉग आई के अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जो लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग आई के, और आई क्या है, तीव्रता, और इसमें हम के लेते हैं, जो के कांस्टेंट होता है वो वेबर फेचर नियतांक कहलाता है। हमें फिलहाल इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वेबर फेचर नियतांक नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको के याद कर लीजिए। यहाँ पर 10 रखते हैं इसका मान, इसका मान जब जब रखना होगा, के की वैल्यू 10 रखेंगे। ठीक है। चलिए, यह था हमारा लाउडनेस, ये थी हमारी लाउडनेस। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, आपके तारत्व और गुणता और ध्वनि के प्रबलता तीव्रता स्तर डेसिबल में, ये इस पर मतलब आपका रिलेशन, इसको हम बोर्ड में करवा देंगे। और आपका होमवर्क क्या रहेगा, पेज नंबर आप लोग जाइएगा 51 में और 46, 46 पेज नंबर में, ये ध्वनि स्रोत और उनकी प्रबलता है। ठीक है, क्लास बहुत छोटी है बेटा, 45 मिनट की आपकी क्लास हो गई है और आप कह रहे हैं छोटी क्लास है। बेटा कंटिन्यू बिना इंटरेक्शन के बोलना बहुत दिक्कत होती है। ठीक है बेटा जी, तारक तो बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। आपको होमवर्क है, आपको ये लर्न करना है, ठीक है, इसको आपको करना है, ये ध्यान रखेंगे, इसको आपको लर्न करना है। हाँ
फिर इको के बारे में चर्चा करेंगे कल, इसको आपको लर्न करना है, ध्यान रखेंगे। और पेज नंबर 48 में जाइएगा सभी लोग, और 48 में भी एक है कुछ सामान्य पदार्थों के अवशोषण गुणांक, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा और एक बार कोशिश करिएगा इसको याद करने की, ठीक है, इसको कोशिश कर लीजिएगा कि याद हो जाए चीजें को, है याद हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स में हमें इनको करने में आसानी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आपको दो हमने होमवर्क दे दिया, इन होमवर्क को आपको करना है। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। हाँ, पेज नंबर 46-48 में है कुछ सामान्य पदार्थों के अवशोषण गुणांक, और 46 में आपके ध्वनि स्रोत और उनकी प्रबलता, ठीक है। अभी प्रबलता मैंने बताया था ना, किसकी कैसी प्रबलता होती है, ये चीजें। चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, शेष जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, सभी को बाय बाय, नमस्ते।